गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? एक सेकंड, इसको हम कर लेते थोड़ा सा साइड में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं अपना क्रीवा हॉल। अगर आप लोगों ने मेरे बाकी के क्रीवा हॉल्स नहीं देखे तो प्लीज आप जाके जरूर चेकआउट कर लो। आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्रीवा पे आपको गाइस सूट्स मिल जाएंगे, आपको शरारा सूट्स मिल जाएंगे, साड़ीज मिल जाएंगी, आपको लहंगा चोली मिल जाएगा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। क्रीवा के दो तीन आउटफिट्स के साथ मैंने मेकअप लुक भी क्रिएट किया है, तो वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में गूगली वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। अच्छा, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ सूट्स। मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि दी आप हमेशा लहंगे दिखाते हो, कभी सूट्स दिखाया करो, पार्टी वेयर सूट्स दिखाया करो, हैवी सूट्स दिखाया करो। चलो फिर जैसे जैसे आप लोग डिमांड करोगे तो वही आप लोगों के अकॉर्डिंग ही, आपकी नीड के अकॉर्डिंग या फिर आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग वीडियोस लेके आती रहूंगी मैं चैनल पे। तो चिपके रहना भैया चैनल के साथ, भागना मत। अगर आप लोगों ने ये वाला मेकअप लुक नहीं देखा अभी तक तो ये वाला मेकअप लुक की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड। चार आउटफिट्स दिखाने वाली हूँ। या एक और चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरे पास टोटल क्रीवा के आई थिंक 13-14 आउटफिट्स आए हुए हैं, सबकी मैंने वीडियो शेयर करनी है, तो स्टे ट्यून्ड। आज की वीडियो में चार ही दिखाने वाली हूँ, वैसे मैं आपको पहले बता दिया। अच्छा, सबसे पहले गाइस ये है ग्रे कलर का। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे ब्रांड ने स्टिच करके भेजा है मेरे साइज के अकॉर्डिंग, वो इसलिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आउटफिट दिखने में कैसा लगेगा स्टिच होने के बाद, ठीक है। आपको अनस्टिच मिलेगा या फिर आपको सेमी स्टिच मिलेगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन आप बार बार कमेंट बॉक्स में मत करना कि हमें भी सिल के आएगा। आपको नहीं आएगा, आपको सेमी स्टिच आएगा, या तो पूरा ऐसा सूट आएगा, आपको साइड से अपनी फिटिंग करवानी पड़ेगी, एंड प्लाजो वगैरह भी आपको स्टिच नहीं आएगा, आपको कुछ भी स्टिच नहीं आएगा। ये जस्ट हम यूट्यूबर्स को मिलते हैं प्रोडक्ट्स ऐसे स्टिच होके ताकि हम आपको ढंग से डाल के दिखा सके, ताकि ओवरऑल लुक कैसा आएगा प्रोडक्ट का, सॉर्टेड। चलो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। गाइस, सबसे पहले तो आपको ये मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो, जॉर्जेट का कपड़ा है, अंदर आपको लाइनिंग वगैरह अब खुद लगवानी पड़ेगी, ठीक है। देख सकते हो, ये तो इन्होंने मुझे स्टिच करके भेजा है, तो इस हिसाब से भेजा। एंड मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, ये इसका जो डिजाइन है ना गाइज, आप इसको जैसे मर्जी स्टिच करवा सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसको ऐसे स्लीवलेस स्टिच करवाओ। ये तो ब्रांड ने चलो अब भेज दिया, ऐसे मैं आपको डाल के दिखा दूंगी, ठीक है। इनका अपना कैटलॉग होता है, इनके अपने डिजाइनर्स बैठे होते हैं, तो जो अपने हिसाब से अपने डिजाइनिंग वगैरह कर देते हैं, तो आपको भी एक आइडिया मिल जाता है कि आप इस हिसाब से भी सिलवा सकते हो, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग तो सिलवा ही सकते हो, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर गाइज आपको ना पेपर मिरर मिलेंगे। पेपर मिरर का क्या है, मैं आपको पहले ही क्लियर आउट कर दूं, आपने इसको ड्राई क्लीन करवाना होता है ऐसे कपड़ों को। पेपर मिरर को आप कभी भी पानी में नहीं धोया करो, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। पेपर मिरर को आपने हमेशा ड्राई क्लीन करवाना होता है, ठीक है। और ये देख लो, पीछे से बिल्कुल प्लेन है, एंड इसके साथ आपको ये स्लीव्स के लिए कपड़ा मिल जाएगा, ठीक है। इनकेस अगर आप अपनी स्लीव्स बनवाना चाहते हो तो ये देख लो, आपको दो मिल जाएंगे दोनों स्लीव्स के लिए, ठीक है। तो टेंशन मत लो, आपको स्लीव्स के लिए कपड़ा मिलेगा साथ में, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपने ऐसे स्लीवलेस स्टिच करना है तो आप स्लीवलेस स्टिच करवा लो। कलर इज वेरी ब्यूटीफुल, ग्रे ब्लू सा कलर है, ग्रेइश ब्लूइश सा कलर है इसका, ठीक है। और इसके साथ आपको मिल जाएगा शरारा, आपको अनस्टिच आएगा, मुझे स्टिच आया ताकि मैं आपको डाल के दिखा सकूं। मैं वीडियो में इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लोग ना वीडियो स्किप करके देखते हैं हाँ जी, बहुत लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैं ऐसे आएगा ऐसे आएगा। तो ये देख लो, आपको यहाँ पे पूरा इस हिसाब से आप स्टिच करवा सकते हो, जॉइन देखिए, यहाँ पे पूरा शरारा का डिजाइन बनाया हुआ है, इलास्टिक व्लास्टिक लगाया हुआ है, और इसके साथ आपको ये नेट का दुपट्टा मिल जाएगा, जिसके चारों तरफ आपको ये पेपर वर्क वाली ये लगी हुई है, लेस लगी हुई है। लेंथ वेंथ अच्छी है दुपट्टे की, अगर मैं आपको दूसरा एंगल से दिखाती हूँ ना ट्राई ऑन समेत, आपको सब आइडिया लग जाएगा। लेंथ चौड़ाई सब अच्छी है, नेट की क्वालिटी अच्छी है, ये देख लो, ठीक है।
मजेंटा कलर का ये सूट है। स्क्रीन के ऊपर आपको इसका प्राइस और फोटो सब कुछ नजर आ ही रहा होगा, आप देख सकते हो। ये देख लो आप, मजेंटा कलर के एकदम पार्टी वेयर सूट है। मुझे याद आ गया वो समय जब शादियों के लिए लड़कियां अपना सूट नहीं बनवाती हैवी हैवी सा। सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, आपको याद आएगी ना, मेरे को याद आ गया अपना वाला टाइम। शादियों के लिए ऐसे ही सूट बनते हैं, लाइक हम बहुत हैवी भी नहीं जाते लेकिन हम ब्राइट कलर्स पे जाते हैं और हम ऐसी वाली कढ़ाई पे जाते हैं जो डाला हुआ और हल्का फुल्का। न्यूली मैरिड नई नई शादी हुई ना यार, ऐसे वाले सूट्स डाल लो आप, कसम लगे आप ऐसे वाले सूट डालो, हल्का फुल्का अपने बाल बाल खोल लो, सिंदूर सिंदूर लगा लो, बिंदी लगा लो, सॉर्टेड। बिल्कुल न्यूली मैरिड वाला सूट लगाया मैंने, इसको जैसे ही ओपन किया ना, कलर से लेके डिजाइन से लेके कढ़ाई से लेके, ओ माय गॉड इट्स प्रिटी। डिजाइन आप देख लो, सीक्वेंस का काम किया और गोल्डन धागे का काम किया। सबसे पहले हम बात करते हैं गले से, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन काम किया। आप देख लो, आप लोगों ने बोला था ना दी सूट लेके आओ, लेके आई हूँ मैं सूट आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना अगर पसंद आई तो। देख लो गाइस, बहुत नीट एंड क्लीन काम किया आपके सामने है, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन काम किया। मैं आपको रिपीट करूँगी, आपको स्टिच नहीं आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवा लेना, ठीक है। स्लीव्स के ऊपर ये जो डिज़ाइन है ना, अच्छा लगा मुझे, है ना, कुछ इस हिसाब से ये जो स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइन है। पीछे से आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगा और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अच्छा लगा मुझे इसका कलर, बिल्कुल न्यूली मैरिड वाला। साइड से आप देख सकते हो, पूरा ऐसे साइड में आपका आएगा ना तो अच्छा लगेगा डाला हुआ। धागे का काम किया और सीक्वेंस का काम किया हुआ यहाँ पे, बिल्कुल लेंथ तक आपको मिल जाएगा नीचे तक। ये गाइस इसके साथ, ये इसके साथ स्कर्ट बना के भेजी इन्होंने, अच्छा इन्होंने इसके साथ स्कर्ट डाली हुई है, वाओ। आप इसको या सलवार स्टिच करवा सकते हो, आप इसके साथ पजामे स्टिच करवा सकते हो, आप इसके साथ शरारा स्टिच करवा सकते हो, आप इसके साथ प्लाजो स्टिच करवा सकते हो। आपको अनस्टिच मिलेगा कपड़ा, आप जो चाहे वो आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवा सकते हो, ठीक है। अब मैंने बोला ना इनके अपने डिजाइनर्स होते तो ब्रांड, उन लोगों की अपनी सोच होती है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग आउटफिट को डिजाइन करके भेजा है। धागे का काम किया हुआ है पूरा ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल में, तो ओवरऑल पीस अच्छा लग रहा है यार इसके कॉम्बिनेशन में काफी। मेरे को बस न्यूली मैरिड वाली फीलिंग आ रही है इसमें से, बस और कुछ नहीं मैं बोल सकती, पार्टी वेयर न्यूली मैरिड वाली वैसी वाली फीलिंग आ रही है। अंदर इन्होंने मेरे को लाइनिंग वगैरह लगा के दी हुई है वैसे तो। इसके साथ गाइज आपको नेट का दुपट्टा मिल जाएगा, दुपट्टा अभी भारी है, अब दुपट्टा भारी है तो फिर एक बार तो सिर पे लेके देखेंगे, ऐसे तो छोड़ने नहीं वाले हम दुपट्टे को। अरे वाह, चलो सूट के साथ लेके दिखाऊंगी, अच्छा लग रहा है दुपट्टा। और पूरे चारों तरफ आपको ये ऐसा वाला काम मिल जाएगा, पूरा जो सूट के ऊपर काम किया होता है, इससे और नई दुल्हन वाला लुक आ जाता है, ठीक है। ओ माय गॉड इट्स सो प्रिटी, बहुत अच्छा लगा मुझे दुपट्टा, देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मुझे ये। एंड पूरे दुपट्टे पे ना आपको छोटे छोटे से ऐसे मिल जाएंगे सीक्वेंस एंड धागे का काम किया हुआ, पूरे दुपट्टे पे आपको छोटे 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 सा आपको मिल जाएगा जो अच्छा लग रहा है। ये देखो है ना, अच्छा लग रहा है ना। सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड आउटफिट है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको फोटो नजर आ जाएगी।
एंड इट्स वेरी प्रिटी यार, जॉर्जेट का आउटफिट है। जॉर्जेट वाला स्टफ होता है ना गाइज, ये आप अपना पार्टी वेयर या वैसे डालते हो, ठीक है ना। आप डेली के लिए तो देखो आप ऐसे कपड़े डालते भी नहीं हो, ठीक है, कुछ खास फंक्शन होता है तो ही आप डालते हो। एंड अच्छा लग रहा है, इसकी स्लीव्स प्लीज बिल्कुल जैसे फोटो में दिखाई है ना, बिल्कुल आपको वैसे ही बनाई हुई है। एंड अच्छा लगा मुझे कि ऑफ वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इन्होंने रखा, नहीं तो व्हाइट एंड ब्लैक का रखते ना तो थोड़ा अलग सा लगता। इट्स वेरी प्रिटी, धागे का काम किया और बीच बीच में आपको सिल्वर कलर के धागे और ब्लैक कलर के धागे का काम किया हुआ है। दिख रहा है आपको यहाँ पे सिल्वर कलर के धागा भी है और ब्लैक कलर का धागा भी है। फ्रंट पे आपको इस जगह पे ना वेलवेटी सा कपड़ा लगा है, ब्लैक कलर का वेलवेट का कपड़ा है। ये देख लो स्लीव्स, बेल स्लीव्स बनाई हुई इसकी, स्लीव्स के आगे पीछे पूरा आपको कढ़ाई का काम मिल जाएगा। ये देखो आगे, ये आगे पीछे सब तरफ आपको ये वाला मिल जाएगा। तो ओवरऑल पीस मुझे काफी पसंद आया। बीच बीच में आप देख सकते हो पूरी इसके ऊपर शॉर्ट कुर्ती सी है ये, इसके ऊपर सारा काम क्यों अच्छा लग गया मुझे वाला आउटफिट। इसके साथ आपको मिल जाएगा शरारा, बिल्कुल जैसे फोटो में है ना बिल्कुल वैसा ही है, ऑफ वाइट कलर है। यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा इलास्टिक और आपको अनस्टिच आएगा या फिर सेमी स्टिच आएगा, मुझे स्टिच आया ताकि मैं आपको डाल के दिखा सकूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको सुंदर सा ट्राई ऑन कर सकूँ, इसलिए ब्रांड ने मुझे स्टिच करके भेजा है। ये देख लो आपको पूरा वर्क किया हुआ है, पूरा आपको नीचे तक वर्क मिल जाएगा, कहीं से भी ये सिंपल सा नहीं लग रहा, बहुत हैवी सा लग रहा है। अगर आप ऑफ वाइट डाल के कहीं पे जाना चाहते हो, हाँ मुझे कुछ दिन पहले कमेंट पे आता कि दी ऑफ वाइट कलर का अपना कोई आउटफिट दिखाओ, तो चलो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ ऑफ वाइट कलर का, आगे पीछे दोनों तरफ। ठीक है, प्रिटी लग, ये वाला आउटफिट भी अच्छा लगा। गाजरी ऑरेंज सा कुछ कलर है यार इसका, अलग सा डिफरेंट सा इसका कलर है, प्रिटी है इसका कलर। और कपड़ा थोड़ा कॉटन बेस लग रहा है मेरे को, कपड़ा कॉटन वाला लग रहा है और इसके ऊपर सिल्वर कलर के धागे और गोल्डन कलर के धागे का कढ़ाई का काम किया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सोबर, सिंपल इन द सेंस के बहुत सोबर वाला डिज़ाइन है, अच्छा लगा मुझे, ठीक है, काफ़ी पसंद आया मुझे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे कि आप अपनी मम्मा वगैरह के लिए क्या लो, तो आपको पता है मम्मा वगैरह को ऐसे वाले कलर्स बड़े पसंद आते हैं जो दिखने में भी अच्छे लगे और बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं होते हैं और अच्छे लगते हैं यार ऐसे वाले कलर्स मम्मा वगैरह पे। मैं अपनी मम्मा के लिए अगर प्रेफर करती हूँ ना तो फिर मैं ऐसे वाले कलर ज़रूर पार्टी फंक्शन में ना एक आधा सूट तो इस रंग का मैं ज़रूर होता है, ये मेरी प्रेफरेंस होती है कि मम्मी थोड़ा सा ना पिंक शेड में सूट लेना अच्छा लगता है ना। अच्छा चलो तो ये देख लो आप स्लीव्स के ऊपर कुछ इस हिसाब से काम किया हुआ है एंड पाइपिंग आपको मिल जाएगी मरून से कलर की। ये देख लो नेक पे आपको डिजाइन मिल जाएगा इस हिसाब से धागे का काम किया, और पूरे आपको साइड में मिल जाएगा यहाँ इस तरफ और इस तरफ, ठीक है, नीचे भी आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे इस हिसाब से, और साइड में आपको कुछ इस हिसाब से आपको पूरा धागे का काम मिल जाएगा। पीछे से इन्होंने प्लेन रखा हुआ है, पीछे से प्लेन है एंड इसके साथ आपको मिलेगा प्लेन पजामा, प्लेन आपको पजामा नहीं इन द सेंस की प्लेन आपको पैरलर मिल जाएगा, आपको प्लेन पैरलर आपको कपड़ा मिलेगा, आप इसका पजामे सिलवा लेना चाहे आप इसका सलवार सिलवा लेना, जो आपका मन करता आप सिलवा लेना, बिल्कुल प्लेन है ये। मैंने बोला ना बहुत सिंपल सोबर एंड डिसेंट वाला ये वाला आउटफिट है तो अच्छा लग रहा है। इसके साथ गाइस आपको दुपट्टा भी मिलेगा, अच्छा दुपट्टे में आपको ये मरून कलर का लगाया, तभी सूट में ना मरून कलर की पाइपिंग दी हुई थी दुपट्टे के आपको, और गेंजा लग रहा है मुझे ये कपड़ा, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दिया है, आप उसको ओपन करना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये देख लो इसके मरून कलर का आपको साइड में देना तो अच्छा लग रहा है, पिंक एंड मरून का कॉम्बिनेशन बहुत सोबर एंड डिसेंट वाला प्रिटी।
आपको मैंने 4 सूट्स दिखाए, आप ही लोगों ने डिमांड किया थी कि दिया आप सूट्स दिखाओ, होप आपको पसंद आया। सबसे ज्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल वाला सूट आपको कौन सा लगा प्लीज आप कमेंट डाउन जरूर करना। एंड या सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्रीवा पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, सूट्स, साड़ीज, लहंगा चोलीज, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आप जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। एंड अगर आप लोगों ने ये वाला मेकअप लुक नहीं देखा है तो मेकअप लुक की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप जाकर चेकआउट कर लेना। ये वाला आउटफिट अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसकी वीडियो भी ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप जाकर जरूर देख लेना। बाय।